Friends, आज हम लोग साइंस का चैप्टर सिक्स शुरू करेंगे चैप्टर सिक्स है टिश्यू और आज इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का पार्ट वन है आज, और पार्ट वन में हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे ऑल लिविंग बींग्स आर मेडअप ऑफ सेल्स जितने भी लिविंग बिंग्स हैं इस अर्थ पे चाहे वो माइक्रो ऑर्गम्स हो चाहे वो मैक्रो ऑर्गन हो चाहे वो प्लांट लाइफ हो चाहे वो एनिमल लाइफ हो चाहे वो एक्वेटिक हो टेरेस्टेरियल हो या फिर एम्फेबियंस हो या फिर आर्बोरियल हो या फिर एरियल हो ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बिंग्स आर अप ऑफ सेल्स दैट इज वाई वी से दैट सेल्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स क्या होते हैं लाइफ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं जिस तरीके से ईट ईट जोड़ने से एक मकान बनता है ठीक उसी तरह सेल सेल मिलने से एक लिविंग बिंग बनता है And that is why we say that all living beings are made up of cells. And what is cell? A cell is a structural and a functional unit of life. This cell definition of the last chapter maybe. Now, the organisms are two types. Types of organisms. बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ विच दे और वो है यूनिशलो ऑर्गेनिम्स एंड मल्टी सेलोर ऑर्गेनिम्स यूनिशल ऑर्गेनिम्स आर ऑर्गेनिम्स विच आर मेड अप ऑफ ऑनली वन सेल यूनिशल ऑर्गेनिम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से मिल करके बने होते हैं यानी उनका एंटायर लाइफ सिंगल सेल से ही होता है वहां पर दूसरे सेल की कोई जरूरत नहीं होती है जाहिर सी बात है जब वो पूरा ऑर्गेनिज्मी एक ही सेल से बना है तो पूरा का पूरा सेल अपने आउटर इन्वाट के कंप्लीट टच में होगा और फिर वो अपने लिए रिक्वायर्ड सारे के सारे बेसिक फंक्शंस वो अकेले ही परफॉर्म करता होगा इसीलिए कहते हैं कि अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस कौन कौन से बेसिक फंक्शंस है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन रिप्रोडक्शन मूवमेंट एटसेट्रा ये सारे के सारे फंक्शंस वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है और वो परफॉर्म कर लेता है क्योंकि होल सेल चूंकि सिंगल सेल ही है ध्यान देना होल सेल कंप्लीटली अपने आउटर के टच में होता है और इसीलिए वो कैपेबल होता है अपने सर्वाइवल के लिए जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस वो सिंगल सेल ही परफॉर्म कर लेता है सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स यानी चलो ऑर्गेनिम्स के एग्जांपल्स हैं अमीबा बैक्टीरिया वायरस एंड सो दे मल्टी सेलोर ऑर्गेन जिस तरह से नाम है मल्टी कार्तनी बना हुआ यानी कि मल्टी सेलोर ऑर्गेनम्स विच आर मेडअप ऑफ मेनी सेल्स एंड इन फैक्ट मल्टी सेलोर ऑर्गेम्स आर मेडअप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स मल्टी सेल ऑर्गेमिस मिलियन ऑफ सेल्स मिलियंस ऑफ सेल्स के मिलने से मल्टी सेल ऑर्गेनि बनता है फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कैट डॉग गोट एलिफेंट हॉर्स लोह टाइगर लेपड एंड वी ऑल ह्यूमन बींग्स देर इज डिविजन ऑफ लेबर दैट इज ईच फंक्शन इज परफॉर्म बाई अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स यहाँ क्या था यूनिसेलो ऑर्गेनिज में चूंकि ऑर्गेनिज एक ही सेल से मिलकर बना हुआ था और वह एक सेल कंप्लीटली टोटली totally अपने आउटर इन्वायरमेंट के टच में था इसलिए वो ऑर्गेनिज्म यानी कि वो एक ही सेल अपने सर्वाइवल के लिए जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं चाहे वो न्यूट्रिशन हो रेस्पिरेशन हो एक्सक्रीशन हो मूवमेंट हो रिप्रोडक्शन हो वो सारे के सारे प्रोसेसेस वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस वो खुद ही परफॉर्म कर लेता था यानी कि अपने ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड लाइफ प्रोसेसेस को वो कैपेबल था अकेले ही कर लेने में बट जब बात आती है मल्टीशेल ऑर्गम्स की एंड मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स तो जाहिर सी बात है उसके मेजोरिटी ऑफ सेल्स आउटर इन्वायरमेंट के टच में बिल्कुल भी नहीं होते हैं और जो सेल्स आउटर इन्वायरमेंट के टच में होते हैं वो भी कंप्लीटली एंटायरली आउटर एटमोस्फेयर के आउटर एनवायरमेंट के टच में नहीं होते हैं तो फिर एक ही सेल सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म नहीं कर सकता इसीलिए मल्टीशल ऑर्गेनिज्म में चूंकि मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं यहां पर लेबर डिवीजन होता है यानी कि हर एक बेसिक फंक्शन के लिए हर एक बेसिक लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए सर्टेन टिश्यूज सर्टेन सेल्स स्पेशलाइज होते हैं और वो स्पेशलाइज सेल्स ही उस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जो कि लिविंग बींग के उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है देर इज डिविजन ऑफ लेबर दैट इज इच फंक्शन इज परफॉर्मड बाई ए ग्रुप ऑफ सेल्स हर स्पेशलाइज फंक्शन को हर फंक्शन को सर्टेन स्पेशलाइज सेल्स परफॉर्म करते हैं सारे के सारे सेल्स परफॉर्म नहीं करते हैं यानी पर लेबर डिविजन होता है फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स कॉन्ट्रक्ट एंड रिलैक्स टू कॉस मूवमेंट जो मसल सेल्स होते हैं वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी में यानी कि ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट क्रिएट करते हैं यानी कि उसी की मदद से ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है किसी भी तरह के मूवमेंट को शो करता है या फिर वो लोकमोट करता है अभी जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ आप मेरा बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे मेरे हैंड में मूवमेंट देख रहे होंगे मेरे हाथ में जो मूवमेंट हो रहा है मेरे फेस के जो मस्त तो मेरे फेस पर भी आपको मूवमेंट नजर आ रही होगी तरह तरह के तो एक्सप्रेशन नजर आ रहे होंगे वो सारे के सारे मूवमेंट वो सारे के सारे एक्सप्रेशन और मेरे इस जो हैंड का मूवमेंट है ये सब कुछ हमारे फेस और हैंड के मसल सेल्स के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है तो मसल सेल्स इसलिए इस स्पेशलाइज है कि वो कॉन्ट्रेक्ट और रिलैक्स होकर के मूवमेंट को कॉज करते हैं लोकोमोशन को कॉज करते हैं कोई और सेल ये काम नहीं कर सकता इस काम के लिए मूवमेंट के लिए लोकोमोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स ही स्पेशलाइज है सिमिलरली नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस हमारे बॉडी के वन पार्ट पार्टर पार्ट तक किसी भी मैसेज को कैरी करने के लिए नर्व सेल्स है और ये काम सिर्फ नर्व सेल्स ही कर सकते हैं मसल सेल्स ये काम नहीं कर सकते मैसेजेस कैरी करने का काम नहीं कर सकते तो मूवमेंट करने का काम काम लोकोमोशन करने का काम ये नर्व सेल नहीं कर सकते नर्व सेल मैसेज कैरी करने के लिए स्पेशलाइज्ड है तो मसल सेल्स मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है सिमिलरली आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं अब मसल सेल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते बॉडी में नर्व सेल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते तो आरबीसी मैसेज नहीं कैरी कर सकते हमारे बॉडी में वा मूवमेंट और लोकोमोशन को कैरी क्रिएट नहीं कर सकते कॉल्स नहीं कर सकते एंड एवरी सेल इज फॉर ए स्पेशल फंक्शन अब हम बात करते हैं ये तो बात समझ में मल्टीशल ऑर्गेनि में सेल्स स्पेशलाइज होते हैं स्पेशल फंक्शन के लिए यानी कि हर तरह के सेल्स का जो फंक्शन होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है और वो डिफरेंट होता है एक कै स्पेशलाइज सेल के स्पेशल फंक्शन को दूसरा कोई सेल परफॉर्म नहीं कर सकता यानी कि यहां पर लेबर डिवीजन होता है अब मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ और में आ गई होगी कि इन और ऑर्गेनिज्म में देयर इज नो लेबर डिवीजन बट इन मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स इज लेबर डिवीजन अब हम बात करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है सेल्स सिमिलर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर होता है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है वो कंबाइंड टुगेदर होकर के टिश्यू फॉर्म करते हैं यानी कि सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले टिश्यूज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स एक ही जैसा स्ट्रक्चर और एक ही जैसा फंक्शन रखने वाले टिश्यूज कंबाइन हो करके ऑर्गन बनाते हैं सिमिलरली सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गन हैं, यूनाइट टुगेदर टू परफॉर्म ऑर्गन सिस्टम एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने वाले ऑर्गन यूनाइट हो करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड मेनी ऑर्गन सिस्टम्स कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे सेल्स के एग्जाम्पल्स होगा आरबीसीस रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीस व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा ये सब डिफरेंट सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स अलग सेल है व्हाइट ब्लड सेल्स अलग सेल्स हैं प्लाज्मा अलग सेल्स है एंड प्लेटलेट्स अलग सेल्स हैं हालांकि आरबीसीस ऑक्सीजन को कैरी करता है डब्ल्यूबीसी फैट अगेंस्ट डिजीजेस जम्स एंड प्लेटलेट्स इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग एंड प्लाज्मा ये लिक्विड मीडियम देता है आरबीसी प्लेटलेट्स को यानी कि आरबीसी डब्ल्यू बी सीज प्लेटलेट्स उसी प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहते हैं और इनको एक मोशन मिलता है वो लिक्विड मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा ये अलग अलग सेल है बट बहुत हद तक इन सबका जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है और इन सब का फंक्शन जो है वह भी सिमिलर है यानी कि कहीं ना कहीं ये सब फ्लुइडिटी रखते हैं और चीज़ों को कैरी करने में बॉडी के वन पार्ट से अंदर पार्ट कैरी करने का एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं यानी कि इनके स्ट्रक्चर में समथिंग सिमिलरिटीज है इनके फंक्शन में समथिंग सिमिलरिटीज है इसीलिए ये सारे यूनाइट होकर के एक टिश्यू बनाते हैं एंड दैट टिश्यू इज नोन एज ब्लड और उस टिश्यू का नाम है ब्लड यानी आरबीसी प्लेटलेट्स एंड प्लास्मा मिलकर के एक कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जिस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है ब्लड तो अब ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि सिमिलर फंक्शन इन सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले जो सेल्स हैं वो यूनाइट टुगेदर होकर के टिश्यू बनाते हैं सिमिलरली सिमिलर फंक्शन सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले टिश्यूज यूनाइट टुगेदर होकर के ऑर्गन बनाते हैं एग्जाम्पल हार्ट एक ऑर्गन है तो हार्ट एक टिश्यू से मिलकर नहीं बना है कई टिश्यूज से मिलकर के बना हुआ है और वो सारे जो टिश्यूज हैं, वो सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं और सिमिलर फंक्शन रखते हैं सिमिलर फंक्शन उनमें कॉमन फंक्शन है कि सभी के सभी ब्लड को पंप करने में वर्क करते हैं मोर और लेस इस बात में सिमिलर हैं सारे के सारे वो टिश्यूज कि वो ब्लड को पंपिंग में वर्क करते हैं पंपिंग के लिए वर्क करते हैं पंपिंग में हेल्प करते हैं और उन्हीं सिमिलर फंक्शन रखने वाले और सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले टिश्यू से कंसिस्ट हुआ है ये ऑर्गन हार्ट ठीक उसी तरह से सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं और फिर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड रिपोडक्टिव सिस्टम अगर हम एग्जाम्पल ले लें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत हद तक मोर और लेस टू सम एक्सटेंट और मोर एक्सटेंट दे आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है एंड दे परफॉर्म सेम थिंग्स यानी कि सिमिलर फंक्शन भी वो रखते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गन हमारा माउथ है माउथ भी फूड के डाइजेशन का प्रोसेस करता है जब भी हम फूड इंटेक करते हैं मुंह में डालते हैं उस फूड को वो क्रश करते हैं दांतों की मदद से उसको क्रश किया जाता है उसमें सेलिबा मिक्स किया जाता है फिर उसको इनहेल किया जाता है सेलिबा जो है वो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करना माउथ से ही स्टार्ट कर देता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है देर ओसोफेगस है वहां से फूड अंदर इन जाता है वो भी तो डाइजेशन में ही डायरेक्ट इंडायरेक्टली ले हेल्प करता है फिर स्टोमक में फूड पहुंचता है स्टोमक अंदर ऑर्गन है स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है दूसरा गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो पेप्सिन रिलीज करता है तीसरा जो है वो म्यूकस रिलीज किया हुआ रहता है तो ये भी कहीं ना कहीं किसी वे में फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं देन आगे बढ़ते थे एक और ऑर्गन मिलता है लीवर जो कि बाइल जूस रिलीज़ करता है वो भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है देन है वो पैंक्राइटिक जूस रिलीज करता है वो भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है देने स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइन जूस रिलीज करता है जो कि फूड का फाइनलाइजेशन करता है यानी कि ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट्स में फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लेस्ट्रॉल्स में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है यानी कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये सारे के सारे ऑर्गन्स माउथ ओसोफेगस स्टोमक लीवर पैंक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये सारे मिल करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं यानी कि जो सारे ऑर्गन्स जो मोर और लेस टू सम एक्सटेंट एक्सटेंट और मोर जो सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं एंड फंक्शन रखते हैं वो सारे यूनाइट टूगेदर होकर कंबाइन टूगेदर होकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और ऐसे हैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं जैसे कि हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सारे के के सारे सिस्टम्स मिलकर राइट टुगेदर होकर के एक ऑर्गेज का निर्माण करते हैं और वो का एग्जाम्पल है ह्यूमन ह्यूमन वी हम मानो हम इंसान तो इस तरीके से ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की कैसे कैसे एक ह्यूमन बिइंग बनता है जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है उसकी कहानी यहीं पे सेलर लेवल पे खत्म हो जाती है वो केवल सेल से मिलकर के बना हुआ है सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ और वही एक सिंगल सेल ये सारे के सारे जो सिस्टम सामने यहां पर के, system, के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम बॉडी के वेस्ट को निकाल बाहर करने के लिए नर्वस सिस्टम मैसेजेस कैरी करने के लिए रिपोर्डक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन के लिए ये सारे के सारे फंक्शंस वो अकेले वही एक सिंगल सेल परफॉर्म कर लेता है इसलिए उसकी

तो आपके जहन में जरूर क्वेश्चन होगा एनिमल्स मेडअप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या प्लांट्स ऑफ एनिमल्स एक ही तरह के टिश्यूज से मिलकर बने हैं इसके जवाब के लिए खिंट मैं दे सकता हूं जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था हमने देखा कि एनिमल्स जिस सेल से मिलकर बने उनको हम एनिमल सेल और प्लांट्स जिस सेल से मिलकर बने उनको हम प्लांट सेल्स कहते हैं और एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक डिफरेंस जो आपको देखने के लिए मिला था वो क्या था सेल सेलवाल प्लांट सेल में सेल सेलवाल होता है जबकि एनिमल सेल सेल में sale नहीं होता है हालांकि कुछ और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल में होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते हैं. या फिर जो प्लांट सेल में लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं आपको खूब अच्छी तरह से वहां पर मैं दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस को क्रिएट किया था अच्छी तरह से आपको समझाया और बताया था तो बेसिक जो डिफरेंस एक ही एग्जाम्पल बताया कि तो बेसिक डिफरेंस आपको दिखा वो ये था जो सबसे मोर डिफरेंस था सबसे बेसिक डिफरेंस था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता तो दोनों का सेल डिफरेंस है और सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर फंक्शन रखने वाले सेल्स मिलकर ही टिश्यूज बनाते हैं तो जब सेल ही डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है उनसे बनने वाले टिश्यूज भी डिफरेंट होंगे उस लॉजिक से आपको इस क्वेश्चन का आंसर no. मिल गया आर प्लांट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज आंसर है नो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स टिश्यूज वो एक ही तरह के टिश्यूज से मिलकर नहीं बने अलग अलग तरह के टिश्यूज से मिलकर बने हैं तो वहां से इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया नो no. चलिए फिर भी हम एक दूसरा लॉजिक से देखते हैं कि हम पहले प्लांट्स और एनिमल के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन पर एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं फिर हमको समझ में आएगा कि क्या वो एक ही तरह के से मिलकर बने हैं या नहीं बने हैं एक डिफरेंस okay. हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी होता प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चल करके नहीं जाते लोकोमोशन उनमें नहीं होता They are stationary, they are fixed to a place. They never locomote. unme उनमें कभी भी लोकोमोशन नहीं होता But animals move around they locomote लोकोमोट एनिमल्स में लोकोमोशन होता है वो मूव अराउंड करते हैं जबकि प्लांट्स नहीं करते नेक्स्ट है प्लांट्स हैव मेजोरिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू विच आर जनरली ऑफ़ डेड सेल्स। प्लांट्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं वो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं एंड सपोर्टिव टिश्यूज जनरली हैव डेड सेल्स और वो जनरली सामान्यतः डेड सेल्स मिलकर बने होते हैं बट इन एनिमल्स मेजोरिटी सेल्स आर लाइफ ज्यादातर जो सेल्स जो होते हैं वो लाइव होते हैं और यहां पर प्लांट्स में डेड होते हैं नेक्स्ट प्लांट्स कंज्यूम लेस एनर्जी एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी प्लांट्स को लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जबकि एनिमल्स को मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन प्लांट्स ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन प्लांट के कुछ खास रीजन में ही ग्रोथ कंसंट्रेटेड होता है जबकि इन एनिमल्स ग्रोथ इज मोर इनफॉर्म वहां पर ग्रोथ ज्यादा इनफॉर्म होता है सर्टेन रीजन में कंसंट्रेटेड नहीं होता तो इतने सारे बेसिक डिफरेंसेस इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर में हमको देखने के लिए मिला प्लांट्स और एनिमल्स में इससे ये बात स्पष्ट जाहिर होती है कि प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने हैं तभी तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है अदरवाइज ये डिफरेंस क्रिएट नहीं होता तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन लिए इस चैप्टर की जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई कि प्लांट्स और एनिमल्स आर अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज पर चर्चा करेंगे फिर उसके बाद एनिमल टिश्यूज पर चर्चा करेंगे थैंक यू